नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प का शेयर का जो रिजल्ट आया है उसमें कई लोगों का ये कहना है कि 85% का सर्ज है इनके प्रॉफिट में, और कई लोगों का कहना है कि ये रिजल्ट बहुत खराब है। और क्या ये रिजल्ट खराब है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। प्लस हीरो मोटोकॉर्प अब खरीदने लायक हो गया है क्या, इतनी गिरावट के बाद, ये भी बताएंगे। और प्लस दोस्तों, रिजल्ट पे एक छोटा सा हम स्टडी करेंगे उसमें, और आखिरी में ये देखेंगे कि जो ब्रोकरेज हाउसेस दोस्तों, उन्होंने इसके क्या टारगेट्स दिए हैं और टारगेट्स किस रैशनल पे दिए हैं, यानी कि क्या सोच के या क्या कैलकुलेशन करके उन्होंने वो टारगेट्स दिए हैं, जो आखिरी में दो या तीन ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस शेयर में निवेशित करना चाहते हैं तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी चैनल पे की हुई है, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप प्लेलिस्ट में जा करके फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं, अगर इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और दोस्तों प्लीज वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए ताकि ये दूसरों को भी रिकमेंड हो सके। तो दोस्तों, अभी देखिए, अभी लगभग ये 3:10 हुए हैं और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप देखिए शेयर लगभग फ्लैटिश ही कारोबार चल रहा है शेयर में, क्योंकि 0.3% की गिरावट है इसमें। और अगर दोस्तों हम इसकी बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो दोस्तों इस मैटर में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं कि कंपनी कितनी अच्छी है, क्योंकि देखिए, देखो दोस्तों, कई कंपनीज ऐसी होती ना जिसको आप केवल चारों तरफ घूम के देखोगे एक बार तो आपको समझ जाएगा उसकी प्रेजेंस कितनी अच्छी है। और हीरो मोटोकॉर्प उन्हीं कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है इंडिया की, जिनके बारे में ज़्यादा बताने या उनकी मैनेजमेंट कैसी ये सब बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। उनका जो इतना इतिहास पुराना है, देखिए आप, 1984 की कंपनी दोस्तों ये, तब से चल रही है और अभी तक ये केवल इसने अपसाइड ट्रैजेक्टरी देखी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आना चाहिए बट हीरो को कोई हिला नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि हीरो के पास क्या है दोस्तों, यहाँ के कस्टमर को जानती है ये कंपनी। ये जो रूरल इंडिया ना, रूरल इंडिया गाँव की जो जनता है वो हीरो में भरोसा रखती है दोस्तों। और आज भी हमारे देश की 70-80% बीच की आबादी आज भी गांव में बैठती है दोस्तों, और ग्रोथ इंजन वही तय करता है। और जो ग्रामीण आबादी, जो ये है ना दोस्तों, रूरल इंडिया, जो रूरल इंडिया एक बार कैप्चर कर लिया ना इंडिया का दोस्तों, ये उसी का है इंडिया, उसका बिजनेस है, और हीरो ने वो करके दिखाया। इसीलिए इसमें निवेश करना है कि नहीं, तो इसमें नो डाउट दोस्तों, ये ऐसी कंपनी, इसमें आग बूंद करके निवेश करना चाहिए। और क्या ये सही समय है, तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं दोस्तों, एक साल का चार्ट देखिए, एक साल में आज वही नहीं हमें मिल रहा है, बल्कि 1.25% के निचले स्तर पर मिल रहा है जहां एक साल पहले था। 6 महीने की बात करें तो 20% से भी ज्यादा में गिरावट है दोस्तों। एक ऐसी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, अगर आपको अपने 52 वीक हाई से अगर इतने सस्ते देर पे मिल रही दोस्तों, क्योंकि इसका 52 लगभग 3629 है, और आप देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि लगभग 30 से 33% के आस पास ये दोस्तों गिरा हुआ है दोस्तों ये शेयर। तो फॉर मी एज ए पर्सनल इन्वेस्टर, जी हाँ, मैं बिल्कुल इस कंपनी में निवेश करना चाहूंगा दोस्तों। और डिस्क्लेमर के बता दूं, मैं इसमें एक भी निवेश नहीं हूँ, हाँ थोड़े समय पहले था बट मैं अपना अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल गया था दोस्तों, ठीक है। अब फिर ये मुझे मौका दे रहा है निवेश रखने का। और कौन सी दिक्कत है दोस्तों, करंट लेवल जो है बिल्कुल एंट्री का बेस्ट लेवल है, उसके बाद मुझे लगता है अगर बहुत ज्यादा गिरावट होती है दोस्तों तो 2500 जो है ना दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाएगा भी दोस्तों, और अगर जाता है तो 2500 से ये बाउंस बैक करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों निवेश की बात। अब बात करते हैं कि क्या गिरावट हो सकती है दोस्तों। देखिए, मुझे लगता है अभी गिरावट हो सकती है थोड़ी सी, क्यों, उसके लिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट में। आप देखिए, जो सेकेंड वेव कोविड आया ना, वेव सेकेंड कोविड वेव दोस्तों, जो सेकेंड वेव आई वो बहुत डेंजरस आई दोस्तों, और इसीलिए आप देखिए ये करोड़ में है। आप देखिए कि जो पिछला क्वार्टर था मार्च का, उसके बाद जो ये आई है दोस्तों गिरावट, देखिए कहाँ 8600 करोड़ से भी ऊपर का पहले नेट सेल हुई थी, वो घट के कितवल कितनी हो गई है, 5500 करोड़ भी नहीं रह गई दोस्तों, ठीक है। और इसी कारण अगर हम देखें इनके नेट प्रॉफिट्स को, अगर मैं देखूं तो आप पाएंगे कि इसमें ह्यूज डिप है दोस्तों। आप देखिए कि जहां पिछले क्वार्टर में 864 करोड़ के, आप देखिए इनको नेट प्रॉफिट हुआ था, वो घट के दोस्तों 365.44 करोड़ हो गया है, ठीक है, मतलब एक ह्यूज डिप है दोस्तों, अच्छा खासा, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये क्वार्टर के रिजल्ट गंदे आए दोस्तों,
तो ये कंपनी सीधा सीधा एक क्या मौका दे रही है दोस्तों, बाइंग का मौका दे रही है, ठीक है, बाइंग का। और अभी इसके सामने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, और वो है थर्ड वेव। अगर आप एक रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, देखिए साफ मैं आपको बताऊं, अगर थर्ड वेव आएगी ना, तो जो जितने एनालिस्ट हैं और जितने आप और मैं, मेरे से जो थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन करते हैं, उनकी सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएगी, और मार्केट में एक अनप्रेसिडेंटेड आप सेल ऑफ देखेंगे, और उस सेल ऑफ में दोस्तों कोई भी नहीं बचा रहेगा, कोई भी स्टॉक नहीं बचा रहेगा। इसीलिए अगर आप ये देख सकते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपने पैसे को रोक सकते हैं, तो बड़े अमाउंट पर थोड़ा खरीदे, नहीं तो दोस्तों केवल एक स्ट्रेटेजी रखिए, बाइंग ऑन डिप्स। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स की। और दोस्तों आपको रखनी चाहिए, ये ऐसा स्टॉक है जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों इसके ऊपर जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की ऑलरेडी भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दिया, जाके एक बार देखिएगा, क्योंकि ये कंपनी अब खरीदने लायक हो गई दोस्तों। अपने हाई से 30-33% ये गिर चुकी है, और जो रिजल्ट आना था, जो एक कम रिजल्ट आया है, ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि प्राइस कैश ऑन हो चुका है प्राइस में, इसलिए इतनी भयंकर गिरावट है। और अब आप देखिए कि इस रिजल्ट के बावजूद दोस्तों, शेयर को अगर मैं पर रिफ्रेश करूं, तो जब तक मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, अप्लाई कर दीजिए, शेयर में आपको गिरावट न के बराबर दिख रही है दोस्तों, ठीक है। ये दो रीजन होगा दोस्तों, या तो आज निवेशक को, रिटेल निवेशक को फंसाया जाएगा, और मंडे को इसमें एक गजब की ऐसे गिरावट शुरू होगी दोस्तों, या मंडे को ये भागेगा बहुत तेजी से, जो होगा दोस्तों एक्सट्रीम होगा। इसीलिए थोड़ा सा अगर आप रुक सकते हैं आज रुक जाइए, इन्वेस्टर्स को तो तुरंत दोस्तों तुरंत खरीदारी करनी चाहिए, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, या आप थोड़ा मतलब रिस्क कम लेते हैं, तो मंडे को देखिए, अगर थोड़ा ऊपर अपमूव शुरू करें, तो आप आराम से खरीद सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण क्या ये क्लियर हो जाएगा कि अब अपमूव शुरू होता है। और दोस्तों अगर 2800 को तोड़ करके ये वॉल्यूम के साथ एक दिन टिक गया, तो दोस्तों ये फिर से अपर ट्रेजेक्ट्री में शुरू हो जाएगा, और 3000 तक का लेवल आपको जल्द से जल्द दिखा देगा दोस्तों ये, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों शेयर की बात। और अगर इसके हम प्रॉफिट्स में जाए दोस्तों, तो आप पाएंगे कि जो मैंने 85% का सर्च किया ना दोस्तों, प्रॉफिट जंप्स 3-6 times, 2-365 crore रेवेन्यू सर्जेस 85%। ये है दोस्तों कैच ईयर ऑन ईयर। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो जो मैंने हीरो की बनाई थी रिजल्ट्स एक दिन पहले, कि कैसा हो सकता है, उसमें मैंने कहा था कि भाई ईयर ऑन ईयर तो अगर कोई अगर एक्सेप्ट कर रहा है ना दोस्तों, कि अगर ये उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो केवल मूर्ख है दोस्तों। क्योंकि पिछले कोविड में तो दोस्तों हालत एकदम खराब थी, नेशनल लॉकडाउन था, कोई बिजनेस ही नहीं हुआ, तो इतना लो बेसिक की पिछले बार से कैलकुलेशन करना तो गलत है। हाँ एक चीज जो इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ दोस्तों, वो है ये दैट दिस नंबर्स वेर बिलो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन ऑन सीएनबीसी टीवी 18 पूल ऑफ एनालिस्ट हैड एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एट ₹402 crore एंड 5,793 crore रेस्पेक्टिवली ईबिटा एंड ईबिटा मार्जिन वेयर पैक्ड एट 573 crore एंड 9.8%। इसीलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है, उसके बावजूद ये शेयर नहीं गिर रहा है दोस्तों, तो ये यही दर्शा रहा है कि ये चीज वो है स्ट्रेंथ दोस्तों, ठीक है, वो इस कंपनी के शेयर में स्ट्रेंथ दर्शा रहा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब इस कंपनी डाउन साइड ज्यादा बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और जो कंपनी ने अपनी गाइडलाइन दी दोस्तों, उन्होंने कहा है दैट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल हैज बीन एडवर्सली इंपैक्टेड बाय कोविड-19 डिस्पाइट द चैलेंजेस पोज्ड बाय द पेंडेमिक। हीरो मोटोकॉर्प अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन बोथ अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर्ड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल। दोस्तों सेकेंड कोविड-19 में भले नेशनल लॉकडाउन ना लगा हो, फिर भी पूरे देश जो स्टेट लॉकडाउन था वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, उसके बावजूद इतने अच्छे नंबर दिखाना अपने आप में बड़ी बात है, और मैनेजमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देना ये भी स्ट्रेंथ है और बिजनेस के लिए अच्छा है। और आप देखिएगा अगर ये क्वार्टर में कोई पैंडेमिक नहीं आता है, आप बस एक चीज देखिएगा, सेल्स वो स्काई रॉकेट रहेंगे दोस्तों। और आने वाला समय दोस्तों दिवाली है, और उस समय कोरोना वायरस नहीं रहता है, तो दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड रैली के लिए तैयार रहिए दोस्तों, ठीक है। तो इतना तो दोस्तों देखिए मार्केट में रिस्क रहेगा ही, लेकिन वही है दोस्तों मार्केट वही पैसा बना सकता है जो पैसे में चुपचाप बैठा रहे शेयर उठा के और रिस्क लेने की ताकत रखता हो। अब दोस्तों चलते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है भाई। नाउ ब्रोकरेज टेक ऑन हीरो मोटोकॉर्प। नाउ हीरो मोटोकॉर्प्स मिस्ड एनालिस्ट एस्टिमेट इन द क्वार्टर एंडेड जून कमोडिटी कॉस्ट रोज एंड सेल्स डिक्लाइन एमिड लॉकडाउन टू कर्व। देखिए जो कमोडिटी के कॉस्ट है यानी कि बनाने के जो रॉ मटेरियल आते हैं वो भी महंगे हुए हैं, और ये भी एक कारण है दोस्तों। तो भाई आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सेड द
Pawan Munjal led company was witnessing demand pressure in the entry level segment due to weak consumer sentiment and rising vehicle prices further hit profitability. आप खुद देखिए दोस्तों, इस तो आपको पता होगा कि गाड़ियां इतनी महंगी होती जा रही हैं। आप जो गाड़ी पहले 70,000 में लेते होंगे वो आज लगभग 80-90,000 तक हो गई है, और वो इनके जो जो खरीदारी दोस्तों और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है उसको बहुत जोर से हिट कर रहे हैं दोस्तों। नाउ अब आप देखेंगे कि भाई जो इन्होंने क्या कहा है आईसीआई सिक्योरिटी ने, तो आप देखिए कि भैया आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने क्या है, मेंटेन्स एड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2,970.65 इंप्लाइंग एन अपसाइड ऑफ 6.5% ऑन थर्सडे क्लोज, ठीक है। और ऐसा इन्होंने क्या बोलते हैं एड का सलाह क्यों दी है और प्राइस टारगेट को ज्यादा ऊंचा क्यों नहीं किया है, उनका कहना है दैट मिस कंसेंसस एस्टिमेट एज मार्जिन केम इन एट 9.4%। इनका जो मार्जिन है दोस्तों वो केवल 9.4% रहा है, जो कि डाउन है 449 बेसिस पॉइंट क्वार्टर टू क्वार्टर पे। और ये दोस्तों मुझे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे इसीलिए ज्यादा उतना खराब नहीं लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है कि दोस्तों वाकई सेकेंड वेव कोविड-19 बहुत जोर से हिट किया है, ठीक है। नाउ रिटेल डिमांड ट्रेंड डिमांड की एज फेस्टिव सीजन अप्रोचेस, ये दोस्तों सबसे बड़ा की ट्रिगर है कंपनीज के लिए। अगर दिवाली अगर दोस्तों हमारी इस बार अच्छी आती है, आप देखेंगे अनप्रेसिडेंटेड सेल्स करेंगी कंपनीज, ठीक है। नाउ टू व्हीलर रिटेल डिमांड ट्रेंड्स ग्रेजुअली इंप्रूविंग पोस्ट कोविड-19 रीओपनिंग। भाई आप धंधा तो करने दो यार, आप बिजनेस करने का हमारे पास समय नहीं रहेगा, बेचारी कंपनियां सेल कहां से करेंगी, और यही मुझे लग रहा है। आप इन्हें एक क्वार्टर देके देखिए, उसके बाद देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। और मोतीलाल ओसवाल का कहना है मेंटेन बाइस टारगेट बाय विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2,513 इंप्लाइंग अ डाउनसाइड ऑफ 9.6%। मोतीलाल ओसवाल ने तो दोस्तों और नीचे के टारगेट्स दिए हैं, और इनका क्यों कह रहे हैं इनलाइन परफॉर्म डिस्पाइट हायर रॉ मटेरियल स्टाफ कॉस्ट, ठीक है। स्टाफ कॉस्ट तो देखो हमेशा रहेगा दोस्तों, और इनको जो सबसे ज्यादा डेंट पड़ रहा है वो पड़ रहा है इनके हाई रॉ कॉस्ट, हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट दोस्तों, ठीक है। और पेट्रोल प्राइसेस जो हाई के दोस्तों वो भी इनडायरेक्टली सफर करते ही हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड 210 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आपको वहां भी दिखाया टू 27.5% ड्यू टू कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है दोस्तों। 27.5% तक की इसमें जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों जो ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है वो क्यों है, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन आया ना दोस्तों रॉ मटेरियल का उसके कारण। तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प इज अ गो फॉर अ बाय, प्लस थोड़ा दोस्तों बल्क नहीं रखना है, थोड़ा कॉशियस रहना है, थर्ड वेव है उसको ध्यान में रखते हुए रखना है दोस्तों। और हाँ अगर गिरावट और होती है तो दोस्तों केवल एड ऑन करना है, और मुझे लगता है कि 2,500 दोस्तों नीचे बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, उससे नीचे मुझे नहीं दिखता दोस्तों। लेकिन दोस्तों बाजार अभी अलग ही मूड में चल रहा है, आप देख रहे हैं कैसे उन्हें पनिश किया जा रहा है, लंबी फार्मा हो गया चाहे कोई भी हो गया। इसीलिए दोस्तों मेरा आपसे कहना है अगर आप खरीद रहे हैं दोस्तों अपने खरीदारी पे भरोसा रखिएगा और गिरावट में एक्युमुलेट करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था मेरी। इसमें ये जितनी भी कही गई बातें मेरी पर्सनल सलाह है दोस्तों, आपको कोई पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत था, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।